क्वेश्चन नंबर थ्री है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सबसे पहले एक रेक्टेंगल खींच लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल खींच लिया, रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब इसमें आगे ये कह रहा है, एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। अब इन साइड के मिड पॉइंट्स है पी क्यू आर एंड एस। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर और एस को आपस में मिला देंगे। नाउ शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं। अब हम ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट है पी और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, और पी और क्यू इन दोनों साइड्स को मिलाने वाली साइड है। हेंस पी क्यू विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। तो जैसा कि मैंने बताया, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी एंड एज पर मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू विल बी 1/2 ए सी। अब इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी इसको देखिए, अब इस ट्रायंगल में S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी, hence SR will be parallel to AC and SR will be 1/2 AC. SR is parallel to AC and SR is 1/2 AC. अब इसको equation 2 मान लेते हैं। Now from equation 1 and equation 2, PQ is parallel to AC, SR is parallel to AC, then PQ is parallel to SR and PQ is 1/2 AC, SR is 1/2 AC, then PQ is equal to SR, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. Therefore, PQRS will be a parallelogram because one pair of opposite side is parallel and equal. अब देखिए यहाँ पे PQRS एक parallelogram होगा क्योंकि इस quadrilateral में PQ और SR जो opposite sides हैं आपस में पैरेलल है और इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगे। हेंस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर 1/2 ए डी विल बी इक्वल टू 1/2 बी सी एंड 1/2 ए डी इज ए एस, 1/2 ए डी इज ए एस and 1/2 BC is BQ. AS is equal to BQ because S and Q are the midpoints. Now in triangle APS and triangle BPQ, triangle APS और BPQ को देखिए, AP is equal to BP, AP और BP आपस में बराबर होंगे because P is the midpoint and angle A is equal to angle B because both are 90 degree each. चूंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए इसके सभी इंटरनल एंगल 90 डिग्री के होंगे एंड ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ए एस और बी क्यू आपस में बराबर होंगे जैसा कि हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया। अब देखिए साइड एंगल, साइड साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल्स की साइड एंगल साइड आपस में बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी एस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे एज पर साइड एंगल साइड रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। हेंस पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, पी एस और पी क्यू आपस में बराबर होंगे बिकॉज बोथ आर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए हम ये प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स इसकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर है। इसकी अपोजिट साइड्स तो आपस में बराबर है ही, साथ ही साथ इसकी एडजेसेंट साइड्स भी आपस में बराबर है, दैट मींस पी क्यू आर एस विल बी ए रोम्बस। यही हमको प्रूव करना था।